हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। तो फ्रेंड, कल हमने आपको दिखाया था, वीडियो दिया था जिलाने और मारने का। आज हम वीडियो देंगे रंथ मंत्र, जो बिना रंथ मंत्र का आप चाहेंगे कि हम देवता देवी को बुला लेंगे तो नहीं हो सकता है। रंथ मंत्र बहुत जरूरी है उसमें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रंथ मंत्र क्या होती है। यदि आपके पास सारे मंत्र हैं और आपके पास रंथ मंत्र नहीं है तो समझिए आपके पास कोई भी देवता देवी नहीं आएगा। फ्रेंड, याद रखिएगा, आप बिना रंथ मंत्र का और कोई भी देवता देवी आपके ऊपर सहाय नहीं हो सकती है, बस याद रखिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको दे रहा हूं रंथ मंत्र, याद कीजिए इसको और बड़े तान से इसको गाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। और हमेशा इसको जो है ना, पहले याद करना है दबा के। और जो कहता है कि बहुत ऐसे हैं, क्या है ये रंथ मंत्र, क्या है ये पता नहीं चलता आदमी को। रंथ रंथ मतलब क्या होता है? लड़ाई करना, रंथ हो रही है। तो जब तक रंथ मंत्र आपके पास नहीं होता, नाम से भी आपको पता होना चाहिए कि रंथ क्या होती है। ये रंथ, इससे देवी देवताओं को पकड़ कर लाना समझिए इसको, या मजबूर में उसको आना पड़ता है, उसी का नाम है रंथ मंत्र, ठीक है। और बिना रंथ मंत्र का आप कभी भी देवता देवी को नहीं बुला पाएंगे। अभी हम आपको रंथ मंत्र बता रहे हैं। तो यह रंथ मंत्र, उसी को कहा जाता है रंथ मंत्र। जब मशान घाट में जाएंगे या मशान घाट में जाने के बाद, सारे मंत्र को बुलाने के बाद, सारे मंत्र को बोलने के बाद भी यदि कोई देवता देवी आपके पास नहीं आ रहा है, तब जाकर के आपको रंथ मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक आपके पास रंथ मंत्र नहीं है फ्रेंड, तो आपके पास ना कुल देवता आएंगे, ना ग्राम देवता आएंगे, ना भूत पिशाच आएंगे, और ना ही कोई देवता देवी आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए रंथ मंत्र हम शुरू करते हैं। वैसे हम लिख नहीं पाएंगे इसमें, इतना बड़ा मंत्र कौन लिख के देगा। आ डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए गुरुजी, बोलना आसान है। व्हाट्सएप पे जुड़िए, ठीक है, सीखना है तब। चलिए मैं रंथ मंत्र आपको दे रहा हूं। कोनी पंथा आबेगे देवी माई, कोनी पंथा जाबेगे, कोनी पंथा आबेगे देवी माई, कोनी पंथा जाबेगे, कोनी बोलाल कोगे देवी माए, आधी के राराती आगे, कोनी बोलाल कोगे देवी माए, आजू के राराती आगे, कोनी पंथा आबेंगे देवी माए, कोनी पंथा जाबेंगे, कथी के सवारी देवी माए, कथी के दुलारी गे, कोनी पंथा जाबे ससुरारी, कोनी महलिया देवी माय, कोनी अटरी आगे, लगले जे अगिया देवी माय, जाय में बुझाई, कोनी बैठा लो देवी माय, असरा लगाएगी, सिंहा सवारी देवी माय, भगता दुलारी गे, ये सह देवी माय, मसना हवेली आगे, भगता के देवी माय, लगलो जे आगी आगे, शीतला जे बान देवी माय, दिबे यगिया बुझाई गे, ये सह काली दुर्गा, सिंह सवारी हे, कथी के राचा बाबे दुर्गा, कथी के जे टागबे, चल चले चले दुर्गा, मसना दुवरी आगे, सेवका जे ले तोगे दुर्गा, पौवा पखारी गे। तो फ्रेंड, इस मंत्र को बड़ा राग से गाना है, बड़ा तान से गाना है, जोर से गाना है, ताकि मसान घाट में जाना है, आराम से धीरे धीरे गाना है, समझ गए। और वहां पे अखेड़ा लगा के बैठना है, इसके बाद ही किसी को फिर बुलाना है,
शरीर बंधन, मार्ग बंधन, आसन बंधन, सिंहासन बंधन इत्यादि जितना है आपको पहले आना चाहिए। और ये रंध मंत्र जो हम आपको दिए हैं फ्रेंड, फोन कीजिए डायरेक्ट और इसके बाद व्हाट्सएप पे लीजिए। ये बहुत खतरनाक मंत्र है, इससे देवता देवी को गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ते हुए आती है अपने भक्त को बचाने के लिए। ठीक है फ्रेंड।